YND News, आप देख रहे हैं YND Network, नई सोच नई खबर के साथ। मीरा भाईंदर बीजेपी महिला मोर्चा की नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष रीना मेहता ने जब से पार्टी की कमान संभाली है तब से महिलाओं का पार्टी में पक्ष प्रवेश लगातार शुरू है। बीते कुछ दिनों में अलग अलग समाज की हजारों महिलाओं ने बीजेपी द्वारा आयोजित हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में बीजेपी पार्टी का पट्टा पहनकर पार्टी के लिए काम करने का वचन दिया। आपको बता दें कि रीना मेहता मीरा भाईंदर शहर में एक जाना पहचाना चेहरा है। शहर के बीचों बीच स्थित रीना मेहता कॉलेज की ट्रस्टी है रीना मेहता। बीते 18 सालों से निजी कारणवश राजनीति से दूर रहने के बाद एक बार फिर रीना मेहता ने राजनीति में बीजेपी महिला जिला अध्यक्ष के रूप में बीजेपी का दामन थामा है। पार्टी में मौका मिलते ही उन्होंने बस कुछ ही दिनों में ये साबित कर दिया है कि भले वो राजनीति से दूर रहीं पर संगठन में काम करना और पार्टी को मजबूत बनाने में आज भी माहिर हैं। आपको दिखाते हैं कार्यक्रम में आए बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने क्या कहा। महिला जिला अध्यक्ष रीना मेहता ने हमसे बात करते हुए बताया कि किस तरह वे आने वाले चुनाव में महिलाओं के साथ जुड़ने का संगठन के लिए कार्य करेंगी। एक तो हल्दी कुमकुम कार्यक्रम हमने रखा था, आशापुरा महिला मंडल और थोड़े कैबिन रोड की महिला है, नर्मदा नगर की महिला है, हनुमान नगर की महिला है और उनका पक्ष प्रवेश हमने साथ में रखा हुआ है। तो आज अलग अलग एरिया से महिलाएं भाईंदर ईस्ट में से आई हुई है और हमारी आशापुरा महिला मंडल की अध्यक्षा है श्रीमती देवीबेन सतवारा, उनके अध्यक्षता में और उनके इसमें पूरे ये महिलाएं और मीरा भाईंदर महिला मोर्चा की तरफ से ये महिलाएं यहाँ पर आई हुई है। देखिए, परिवार को मैंने ये कहा है, राजनीति की पारी में कितनी खेलूंगी वो मुझे नहीं पता है और राजनीति में कहाँ तक कर पाऊंगी वो भी मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। आज मेरा जो लक्ष्य है कि महिलाओं को सशक्तिकरण देना, महिलाओं को अपनी पहचान बनाना, महिलाओं को उनका स्थान दिलाना, उनके लिए मैं बाहर निकली हूँ। राजनीति ये मेरा सेकंड है, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है जो समाज के लिए, जो महिलाओं के लिए मैं बाहर निकली हूँ और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सिवाय मुझे कोई पर्याय नहीं दिखाई दिया, तब जाके मैंने राजनीति ज्वाइन की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे महिलाओं को वो सम्मान मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए ऐसी ऐसी परियोजनाएं लेकर आए हैं, उनको घर घर तक पहुँचाना ये मेरा लक्ष्य रहा है और ये मेरा लक्ष्य है। तो इसीलिए राजनीति के लिए ही सिर्फ बाहर निकलना घर से ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मैंने घर वालों को इतना ही कहा है कि इस बार राजनीति के उसमें मैं आई हूँ, लेकिन अब मेरा जो लक्ष्य है वो हर महिला को सशक्तिकरण देना, हर महिला को अपनी पहचान दिलाना, ये मेरा प्रथम कर्तव्य है एक महिला होने के नाते। तो जो महिलाएं हमारे साथ में जुड़ रही है, मैं आज उन सबको विश्वास दिलाती हूँ कि जो उम्मीद आपने मेरे से रखी है उसके ऊपर उनका विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ूंगी और मेरे से जितना भी हो सकता है महिला सशक्तिकरण के लिए मैं उनके लिए दिन रात लगा दूंगी महिलाओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर इकाई की जो महिला मोर्चा है, उस महिला मोर्चा की हमारी जब से रीना मेहता जी ने कमान संभाली है तब से मैं कहूँगा हर रोज़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी संख्या के अंदर जो हाउसवाइफ से गृहिणी है, जो नॉन पॉलिटिकल महिलाएं थी जो कभी आज तक राजनीतिक मंच में नहीं आई थी, राजनीति के किसी कार्यक्रम में नहीं आई थी, वो बड़ी संख्या के अंदर जुड़ रही है। मेरे ख्याल से आज ये चौथा या पाँचवा कार्यक्रम है। आज भाईंदर पूर्व से जो हमारा केबिन रोड और नर्मदा नगर का जो परिसर है उस प्रभाग से काफ़ी भारी संख्याओं के अंदर आज हमारी बहनों ने भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश किया है और रीना जी के नेतृत्व के अंदर महिला मोर्चा के अंदर और जो हमारी महिलाओं की समस्या है, चाहे वो प्रशिक्षण की बात हो, चाहे वो उनके स्वास्थ्य संबंधित बात हो, शिक्षा संबंधित बात हो, उनके घरेलू जो समस्याएँ हैं वो हो, उन सभी को समाधान करने का, उनके विकास का कार्य, महिला सशक्तिकरण करने का कार्य हो, वो सभी महिला मोर्चा के माध्यम से होगा। और रीना मेहता जी की वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं को लगता है कि वो किसी पक्ष में नहीं आई है, वो अपने एक परिवार में आई है और बड़ा ही यहाँ पे एक अच्छा वातावरण है, महिलाओं के अंदर एक उत्साह देखने को मिला। तो मैं दिल से रीना मैडम को, ललिता जी को, उनकी पूरी टीम को और आशापुरा महिला मंडल को, सबको, सभी महिलाओं को, सदस्यों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी इस शहर के अंदर महिलाओं के हक के अंदर, महिलाओं के हित के अंदर नियमित काम करती रहेगी। धन्यवाद। ये महिलाओं की भागीदारी 50% है, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो, और भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर के अंदर ऐसा पक्ष है जिसमें महिलाओं की महानगर पालिका में सबसे ज़्यादा
संख्या है, नगर सेविकाएँ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा महिलाएँ हैं, और आने वाले समय के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार 80 पार में से जो 50% का जो आंकड़ा है 40 नगर सेविकाएँ भारतीय जनता पार्टी की होगी, और मुझे इसका पूरा विश्वास है।